ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रियंका जी, राज बब्बर जी, अजय लल्लू जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कैंडिडेट्स, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 2014 में नरेंद्र मोदी ने तीन वायदे किए थे, युवाओं को हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा। जहां भी जाते थे युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे। किसानों से कहा कर्जा माफ करूंगा, किसानों से कहा कर्जा माफ करूंगा, और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से कहा मुझे प्रधानमंत्री बना दो और मैं हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। भाइयों और बहनों, आपको 15 लाख रुपए मिल गए? मिले? कोई यहां है जिसको 15 लाख बैंक अकाउंट में मिला हो? तो नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए का झूठ बोला, कहा हर बैंक अकाउंट पे 15 लाख। मैंने यह बात पकड़ ली। मैंने कहा देखो, पता लगाते हैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला जा सकता है। चौकीदार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों के बैंक अकाउंट में डाला। मैंने सोचा मैं पता लगाता हूं हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा सरकार डाल सकती है। तो 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया, ऑफिस में बुलाया, उनसे सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा देखिए, लंबा भाषण नहीं सुनना चाहता मैं, मुझे थियोरी मत देना, बड़े आंकड़े मत देना, मुझे आपसे एक नंबर चाहिए। उन्होंने पूछा कौन सा नंबर? मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने 15 लाख बोला था, झूठ था, मुझे आप सच्चा नंबर दो। हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार कितना पैसा डाल सकती है? एक शर्त है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं करनी है, नोटबंदी जैसा काम नहीं करना है। आप जाइए दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से पूछिए, जिससे आपको पूछना है पूछिए, मगर 3-4 महीने बाद आप मुझे एक कागज पे एक नंबर दीजिए। कुछ ही दिन पहले वापस आए, कागज पे एक नंबर लिख के दिया, 72,000 रुपए। यह आपने पोस्टर पे लिखा हुआ है, 72,000 रुपए। ये न्याय है, 72,000 रुपए एक साल के, 3,60,000 रुपए 5 साल के। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब, सबसे कमजोर 20% लोगों के बैंक अकाउंट में हर साल 72,000 रुपए हम डालेंगे। पच्चीस करोड़ लोगों को इस पैसे का फायदा मिलेगा, 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे जाएगा। साल का 72,000, 5 साल का 3,60,000। भाइयों और बहनों, यह सच्चाई है, 3,60,000 रुपए 5 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी दे सकती है, 15 लाख नहीं दे सकते। मैं आपको यहां झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि हर बैंक अकाउंट में 15 लाख डालेंगे, मैं सच्चाई बोलूंगा 3,60,000 डाल देंगे।
प्रियंका जी ने अभी शुरुआत में बोला कि जहां भी देखो नरेंद्र मोदी जी की पब्लिसिटी होती है, टीवी चालू करो नरेंद्र मोदी, रेडियो चालू करो नरेंद्र मोदी, सड़क पे चलो नरेंद्र मोदी। इतनी पब्लिसिटी का पैसा कहां से आता है? आप टीवी पे 30 सेकंड के लिए लाखों रुपए लगते हैं, अखबार में लाखों रुपए रखते हैं, ये देश में हर रोज जो नरेंद्र मोदी की फोटो आ रही है, इनका चेहरा आ रहा है, इसका पैसा कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी की जेब से तो नहीं आ रहा ना, तो ये पैसा कहां से आ रहा है? आपने कभी सोचा कि करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी, पैसा कहां से आ रहा है? मैं आपको बताता हूं भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने आपका पैसा चोरी करके, लाखों करोड़ रुपए चोरी करके इन चोरों को दिया है। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, अनिल अंबानी, लाखों करोड़ रुपए आपका पैसा छीनकर इनको दिया गया है। पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, याद है मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, बुरे दिन आ गए ना। अब नया नारा सुनो, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। 5 साल में अच्छे दिन से चौकीदार चोर है तक पहुंच गए। अब 5 साल अन्याय किया, 5 साल अन्याय किया। आपको याद होगा यूपीए की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के किसान हमारे पास आए, आपने हमसे सवाल पूछा, आपने कहा देखिए ये अरबपति लोग हैं, इनके लिए बैंक के सामने लाल कालीन लगती है, हम जाते हैं बैंक के पास, बैंक में जाते हैं, हमें कहते हैं भैया तुम यहां से परे हो जाओ, तुम्हारे ऊपर कर्जा है। आपने हमें कहा कि किसान का कर्जा माफ करके दीजिए, 10 दिन के अंदर 72,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान का हमने माफ करके दे दिया, 10 दिन के अंदर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, मैंने ऐसी मीटिंग में वहां कहा देखिए 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, कुछ भी हो जाए कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 10 दिन के अंदर हो जाएगा। भाइयों और बहनों 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर हमें कर्जा माफ कर दिया सबका। हम न्याय योजना की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पैसा कहां से आएगा, कहते हैं मिडिल क्लास से आएगा, मध्यम वर्ग से आएगा। मैं बताना चाहता हूं मिडिल क्लास से नहीं आएगा, कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स को नहीं बढ़ाएगी, मगर अनिल अंबानी के जेब से आएगा, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी उनके जेब से आएगा और आपके जेब में जाएगा। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, यहां कोई है जिसको नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया? अच्छा एक और सवाल, यहां कोई किसान है जिसके खेत में रात को आवारा पशु नहीं आया हो? एक है यहां पे, अभी हमने देखा हेलीकॉप्टर से खेतों में आवारा पशु घूम रहे हैं। बर्बाद कर दिया है नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के किसानों को, वो उनकी चौकीदारी कर रहा है, अनिल अंबानी की, मेहुल चौकसी की, नीरव मोदी का की। अच्छा एक सवाल, आपने किसान के घर के सामने कभी चौकीदार देखा है? कभी जिंदगी में आपने चौकीदार के घर के सामने किसान देखा, बेरोजगार युवा के सामने घर के सामने देखा?
छोटे दुकानदार के सामने चौकी। अच्छा, अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार हैं? मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, चौकीदार कोई तो इन लोगों को, इन लोगों के घर के सामने होते हैं। लाखों करोड़ों रुपए चोरी किए हैं, इसलिए चौकीदार की जरूरत होती है। तो ये नरेंद्र मोदी आपको नोटबंदी में खड़ा करता है, आपसे कहता है काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ लड़ाई। अच्छा भैया एक बात बताओ, नोटबंदी के सामने, नोटबंदी के समय लाइन में काले धन वाले खड़े थे क्या? अनिल अंबानी खड़ा था लाइन में? मेहुल चौकसी, नीरव मोदी खड़े थे क्या? हिंदुस्तान के ईमानदार लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे, ये लोग खड़े थे। आपके जेब में से पैसा निकालकर चोरों के जेब में पैसा डाला है नरेंद्र मोदी ने। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, झूठ बोला। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, मगर 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, एक साल के अंदर 22 लाख नौकरियां हम भर देंगे आपके लिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, यह सच्चाई है। 10 लाख युवाओं को हम रोजगार दिलवा देंगे, मगर मैं आपको स्टेज से दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करूंगा, 15 लाख की बात नहीं करूंगा, 3,60,000 की करूंगा। आप दिन भर काम करो, उत्तर प्रदेश का किसान काम करे, अपना खून पसीना दे और फायदा उनको मिले। दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक हिंदुस्तान अनिल अंबानी जैसे लोगों का, नरेंद्र मोदी जैसे लोगों का। प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, जो भी उनको चाहिए मिलता है, बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजना होता है, बेहतर से बेहतर कॉलेज में भेज देते हैं, लाखों रुपए दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। परिवार में कोई बीमार होता है, MRI की जरूरत होती है, कैट स्कैन की जरूरत होती है, लाखों रुपए दे देते हैं। किसी को कैंसर होता है, दिल का दौरा होता है, एकदम लाखों रुपए दे देते हैं। मगर आप अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजना चाहो तो नहीं भेज सकते, पहले लाखों रुपए निकालकर उन्हीं चोरों को दो। बीमार होता है, इलाज की जरूरत होती है, लाखों रुपए दो, उन्हीं चोरों को दो, पूरा का पूरा उनका, स्कूल उनके, कॉलेज उनके, यूनिवर्सिटी उनके, अस्पताल उनके। आप लोग बीमा देते हो, उत्तर प्रदेश का किसान बीमा देता है, नुकसान होता है, आपका ही पैसा आपको वापस नहीं मिलता। हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं, अनिल अंबानी को 10-15 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, बीमा का काम तुम यहां करोगे और कोई नहीं कर सकता। ये लो 15 डिस्ट्रिक्ट, अदानी जी ये आपके हैं, यहां बीमा का काम आप करोगे। भाइयों और बहनों, 10,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसानों का पैसा, बीमा का पैसा इन लोगों ने आपसे चोरी करके लिया है। और जब आंधी आती है, तूफान आता है, आप बीमा का पैसा मांगते हो, आपको कहते हो नहीं भैया आपको नहीं मिलने वाला, आप कौन हो? हम दो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे, एक हिंदुस्तान होगा। अगर 3,50,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ होगा तो फिर किसानों का भी कर्जा माफ होगा। हम न्याय की बात कर रहे हैं, आप चाहते हो कि किसान का कर्जा माफ ना हो तो फिर आप हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ मत करो। अगर आप उनका नहीं माफ करोगे तो फिर हम किसान कर्जा माफी नहीं मांगेंगे, मगर अगर आप उनका लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकते हो तो फिर हम किसानों का भी लाखों करोड़ रुपए माफ करेंगे। आप देखिए नीरव मोदी
35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, उसको जेल हुई। अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए कर्जा है, जेल में है नहीं। अब किसान 20,000 रुपए का लोन लेता है, 30,000 रुपए का लोन लेता है, वापस नहीं दे पाता है, उसकी जेल होती है, जेल जाता है। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अरबपति कर्जे के लिए जेल नहीं जाते, मगर हिंदुस्तान के लाखों गरीब किसान 20,000 रुपए के लिए जेल जाते हैं। क्या ये आपको सही लगता है? क्या ये आपको ठीक लगता है? हमने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है, 2019 के चुनाव के बाद हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जे के मामले में जेल में नहीं डाला जा सकेगा। अब किसान को जेल में डालवाना है तो पहले अनिल अंबानी को जेल में डालो, नीरव मोदी को जेल में डालो, विजय माल्या को वापस लाओ, जेल में डालो। हम आपके दिल से डर मिटाना चाहते हैं। कर्जे का डर हो, भविष्य का डर हो, हम हिंदुस्तान के किसान के दिल से उसको मिटाना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस देश की शान हो, आप इस देश की शक्ति हो, और आप इस देश को बनाते हो, आपके बिना यह देश नहीं चल सकता है। यह मैसेज हम आपको देना चाहते हैं, और इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि जैसे पहले रेलवे बजट हुआ करता था, दो बजट पेश हुआ करते थे, एक नेशनल बजट होता था और दूसरा रेलवे बजट होता था, वैसे ही 2019 में एक नेशनल बजट होगा और दूसरा किसानों का बजट होगा। उसमें देश के सब किसानों को पता लग जाएगा इस साल हिंदुस्तान की सरकार किसानों को क्या देने जा रही है, कितना कर्जा माफ होगा, कितनी एमएसपी बढ़ाई जाएगी, कितना बोनस मिलेगा। पूरा का पूरा आपको साल के शुरुआत में ही हम बता देंगे, आप प्लानिंग कर पाओगे और आपको साफ पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान की किसान, हिंदुस्तान की सरकार किसान के लिए क्या करने जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन प्रदेशों में हमने किसानों के लिए काम शुरू कर दिया है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, और मेरा सपना है कि एक दिन यह काम उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो। हमने तीनों चीफ मिनिस्टर से कहा है कि इन प्रदेशों में हर डिस्ट्रिक्ट में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगना चाहिए, जहां आलू उगता है वहां चिप्स का एक, चिप्स बनाने की फैक्ट्री, जहां टमाटर उगता है वहां टमाटो केचप बनाने की फैक्ट्री। जाल बिछा रहे हैं हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की जाल बिछा रहे हैं। सीधा जाके किसान फैक्ट्री में अपना माल बेचेगा, आलू बेचेगा, टमाटर बेचेगा, और उसको डायरेक्ट सीधा जेब में सही पैसा मिलेगा, और उसी फैक्ट्री में खेत के बिल्कुल पास उनके परिवार के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब आप देखिए, यहां बीजेपी की सरकार है, 2 साल हो गए, मैंने आवारा पशु की बात की, जो आपका था आपसे छीना जा रहा है, नोटबंदी की गई, आलू के किसान के लिए उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने क्या किया मुझे बताओ, मुझे एक बात बता दो। कर्जा माफी की बात की थी, यहां कर्जा माफी का फायदा मिला आपको, किसी को मिला पैसा नहीं? तो देखिए, जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, हमने किसान बजट की बात की, हर साल हम एमएसपी आपके लिए बढ़ाएंगे, हर साल जैसे हम पहले बढ़ाते थे वैसे ही हम एमएसपी को बढ़ाएंगे, और न्याय योजना का फायदा आप ये बस भूलिए
न्याय योजना का फायदा उत्तर प्रदेश के किसान को, गरीब को सबसे ज्यादा मिलेगा। 72,000 रुपए सीधे आपके बैंक अकाउंट में। यहां बहुत पुरुष बैठे हैं, एक बात शायद आपको अच्छी ना लगे, मगर पैसा सीधा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है। आखिरी बात मैं युवाओं के लिए करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की। पूरे देश में युवा बिजनेस खोलना चाहता है, उत्तर प्रदेश में खोलना चाहता है, मगर अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी युवा, आगरा में कोई भी युवा बिजनेस चालू करना चाहता है तो उसे सरकारी डिपार्टमेंट्स में जाके परमिशन लेनी पड़ती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट में परमिशन मांगनी पड़ती है, और आप जानते हो उत्तर प्रदेश के हर डिपार्टमेंट में रिश्वत देनी पड़ती है। इसीलिए हमने कहा है कि 2019 के बाद किसी भी युवा को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप अपना बिजनेस चालू करो, 3 साल आप बिजनेस चालू करो, बिजनेस चलाओ, जब आपका बिजनेस मजबूत हो जाएगा 3 साल बाद आप जाके परमिशन लेना। और बैंक लोन कांग्रेस पार्टी अनिल अंबानी जैसे लोगों को नहीं देगी, बैंक लोन कांग्रेस पार्टी उन्हीं को देगी जो उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं, उन्हीं युवाओं को देगी जो बिजनेस चालू करके रोजगार पैदा कर रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत बीजेपी नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ भाईचारा प्यार और कांग्रेस पार्टी। जीत कांग्रेस पार्टी की होने वाली है, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं, सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए आप रोज लड़ते हो, पोलिंग बूथ में लड़ते हो, सड़कों पे लड़ते हो, गांव में लड़ते हो, शहरों में लड़ते हो, तो आपका दिल से धन्यवाद। अब यहां आज जो न्याय योजना है उसकी यात्रा चालू हो रही है, पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी 5 करोड़ लोगों को 72,000 रुपए हर साल देने जा रही है। तो मैं कार्यकर्ता से कहता हूं, आप पोलिंग बूथ पे लड़िए, कांग्रेस की विचारधारा की बात कीजिए, बीजेपी के जो झूठे वायदे हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा, 15 लाख का वायदा, किसानों को सही दाम देने का वायदा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का वायदा, उसके बारे में आप उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए और यहां राज बब्बर जी को चुनाव जिताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।